الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سقى صائما سقى الله من حوضي شربة لا يزمه حتى يدخل الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم عزیز بھائیو، گزشتہ کل نیٹ ورک کی خرابی سے بات مکمل نہ ہو سکی، کل کی بات پوری کر لیں. درس مثنوی کے ضمن میں یہ چل رہا تھا کہ صحابہ کے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت تھی، وہ قرآن کریم کو اچھی طرح جانتے تھے، تو ان کا غصہ دور ہو جاتا تھا جب قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں ان کے سامنے. تمام کے تمام صحابہ کانوا وقافا علی کتاب اللہ تعالی اذا سمعہ من غیرہ القرآن. تمام صحابہ، حضرت عمر کے اس قسم کے واقعات بخاری شریف میں بھی ہیں جو درس بخاری میں آتے ہیں، مگر یہ وصف تقریباً تمام صحابہ کا. تو وہ باندھی حضرت علی کو وضو کروا رہی تھی اور پانی کا لوٹا اس کے ہاتھ سے گر گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی زخمی ہو گئی، غصے ہو گئے، تو باندھی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، وہی چوتھے پارے کی آئے جو کل: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کے گھونٹ کو پی جاتے ہیں. تو دیکھیے حضرت قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو حضرت کا غصہ دور ہو گیا. حضرت آگے اللہ اور بھی کہہ رہے ہیں: والعافین عن الناس، جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. تو آپ کا غصہ دور ہوا، معاف تو نہیں کیا آپ نے؟ فرمایا: جا علی نے تجھے معاف کر دیا ہمیشہ کے لیے. باندھی بڑی چالاک تھی کہ مل رہا ہے تو کمی کیوں رکھوں. اس نے کہا: حضرت آگے اللہ اور بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیے اللہ تو آگے اور بھی کہہ رہے ہیں: واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت غصہ دور ہو گیا، معافی دے دی، احسان تو باقی ہے، احسان کر دیجئے. تو
तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन बोले, जा अली ने अपनी ग़ुलामी से हमेशा के लिए तुझे आज़ाद कर दिया। देखा, ये था सहाबा का मामला। वो कुरान की आयतों से असर ले लेते थे, वो अपने अमल की हिफाजत करते थे, वो इस नीयत से अमल करते थे कि इस अमल को बचाकर अल्लाह की बारगाह में ले जाना है, अमल बिगड़ना नहीं चाहिए, है ना। हज़रत अली के ही वाक़यात हैं ऐसे, क्योंकि वो अमल खालिस अल्लाह के लिए करते थे, तो ये अमल बिगड़ ना जाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में जिक्र भी फरमाया है, अज़ाली आमोज़ इख़लास अमल, अज़ाली आमोज़ इख़लास अमल, शेर हकरा दामो नज़ादर। आखदु अंदाख्त बल इफ्तिखारे हर नबी ओ हर वली। अमल में इखलास अगर तुझे सीखना हो तो हज़रत अली से सीख, और हज़रत अली तो शेर खुदा थे, उनका लक़ब था, जैसे हज़रत खालिद इब्ने वलीद का लक़ब सैफुल्ला, अल्लाह की नंगी तलवार, हज़रत खालिद इब्ने वलीद। तो हज़रत अली का लक़ब शेर खुदा, तो शेर खुदा को मुनाफिक मत जानना, उनके किसी अमल में निफाक नहीं मिलेगा, इखलास मिलेगा। वो जो कुछ करते थे अल्लाह के लिए करते थे, मैदान जंग में पहलवान आ गया डकारता हुआ और अपने बाजुओं को हिलाता हुआ, जब कभी मैदान में कोई पहलवान आता तो मेरे आका फरमाते, अली कहाँ है, अली कहाँ है। बदर में भी तो ये तीन ही पहले उतरे थे, हुजूर के कहने से हज़रत अली, हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला, ये तीन ही तो थे। बदर का वाक़या यहाँ से शुरू होता है। मैं बुखारी के दर्स में दौरे हदीस के तलबा के सामने बोलता हूँ, तफसील से बोलता हूँ, यहाँ तफसील तलब नहीं है, चूँकि बयान है इंटरनेट पर और आवाम तक पहुँचेगा, वहाँ सिर्फ दरसगाह होती है हमारे सामने और तलबा होते हैं दौरे हदीस के। तो बहरहाल हज़रत अली शेर खुदा, एक पहलवान जब आया, खैबर में भी आया था मरहब, मरहब पहलवान के दस को गिरा देवे एक हाथ में, ऐसा पहलवान हज़रत अली ने एक ही वार में उसका व्यारा न्यारा करके रख दिया, एक ही वार में। ये हज़रत अली थे, इसीलिए लक़ब शेर खुदा था। मरहब के सामने भी उतरे थे ना, तो ये शेर पढ़ते हुए आए थे, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, कलै सिखाबतिन करी हल मंजरी।
मर्द मुजाहिद मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, बीबी फातिमा है ना। हजरत अली कहते हैं, हजरत अली के मैंने बीबी फातिमा हसनैन की वालिदा, इन्हीं का तो लख्ते जिगर करबला में चक्कर लगा रहा था, बीबी फातिमा का लख्ते जिगर। हाँ, तभी तो करबला का मैदान पार क्यों कि प्यारे इमाम हुसैन ने अब्बा जान की जिंदगी देखी हुई थी। खैबर में हजरत अली आए और कहते हुए, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, जंगल के शेर की तरह मैं डरावने मंजर वाला, हैबतनाक शक्ल वाला, मैं जब मैदान में उतरता हूँ मेरी शक्ल खतरनाक हो जाती है। हजरत अली कह रहे हैं, और एक ही वार में मरहब का व्यारा न्यारा कर दिया। हजरत अली अपनी वालदा की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हजरत अली हैं ये तो बड़े मर्द मुजाहिद, वो पहलवान आया एक ही वार में उसको नीचे गिरा दिया और सीने पर चढ़कर बैठ गए, तलवार निकाल कर काटने लगे, इतने में वो थूका हजरत अली के चेहरे पर। थूका तो हजरत अली फौरन उठ गए, देखो गुस्सा नहीं आया। हमारे चेहरे पर अगर कोई थूक दे तो गुस्सा और ज्यादा आ जाए, है ना, कि अब तो कसम खुदा की तेरे 18 टुकड़े करूंगा, 18, क्योंकि हमारी चाल ही निराली। वो तो हजरत अली थे, सहाबा थे, अपने अमल की हिफाजत करते थे, अमल को बिगड़ने नहीं देते थे। आपने बंबई मोहम्मद अली रोड जमजम स्वीट में से अफलातून का बॉक्स लिया, बड़े अच्छे पैकिंग वाला, तो आप अपने घर तक वो पैकिंग के साथ सही सलामत लाते हो ना, कि टूटेला पैकिंग लाते हो। वलसा स्टेशन पर गाड़ी खड़ी थी, पैकिंग तोड़ा और 3 पीस निकाल लिए अंदर से अफलातून के, 3 पीस, और टूटेला बॉक्स ला कर दिया अंकलेश्वर और भरूच में। तो खैर वो तो ले लेगा बेचारा कि चलो कम से कम 7 पीस तो लाया मेरे लिए। इसको मायूब समझा जाता है, पैकिंग को तोड़ दिया। मेरे अजीजों, हमने भी हमारे आमाल के पैकिंग को तोड़ दिया। अमल तो करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, सदक़ात भी, मगर फिर पता नहीं कहाँ से पैकिंग टूट जाता है और टूटेला पैकिंग अल्लाह के सामने ले जाते हैं। तो अल्लाह तो गफूर रहीम है, अरहमुर राहिमीन है, हाँ वो ले लेते हैं कि लाओ टूटेला पैकिंग ही लाया, लाया तो सही। बाद मरतब बादशाह भी नरम दिल होता है, नरम दिल होता है, गांव वाले सूखी प्याज ले जाते हैं, कबूल कर लेते हैं कि चलो गांवड़िये लोग हैं, प्याज लाए हैं, गांव के रहने वाले हैं, भरूच की सींग लाए हैं। अब बादशाह को क्या लेना देना भरूच की सींग से। एक लतीफ़ा मुझे याद आया, गांव के कुछ लोग बादशाह को मिलने जाने लगे, तो सोचा कि भाई कोई हदिया ले जाऊँ। तो पहले तो गांव वालों ने सोचा कि कोठे ले लो, कोठे, समझ गए, अच्छा हुआ कोठे नहीं लिए तुम। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं कोठे नहीं लेने, अपने गांव की प्याज बहुत अच्छी है, सफ़ेद प्याज, वो ले लो। तो 10 किलो प्याज ले ली और बादशाह के दरबार में पहुंचे। अब वहाँ तो बड़े बड़े कीमती तोहफे होते हैं, है ना, बड़े बड़े कीमती तोहफे, तुम्हारी प्याज की क्या हकीकत है। वो बादशाह के सामने प्याज की के हजरत आपके लिए हदिया लाए। तब बादशाह तो रंग बिरंगी तबीयत का आदमी होता है, कभी मूड में होता है, कभी नहीं भी होता मूड में। अगर बादशाह मूड में बैठा हो और आप अच्छे ढंग से उसको गाली दे दो
तो 20,000 रुपये इनाम दे देगा, 20,000 चूँकि मूल में था। लेकिन बादशाह अगर मूल में ना हो और आप सलाम कर दें तो 15 कोड़े लगवा देगा, 15 कोड़े बेड़ा लाल तुम्हारी पुश्त लाल करवा देगा। कम वक़्त अभी सलाम कर रहा है, हम मूल में नहीं हैं। बादशाह तो बादशाह होता है, रंग बिरंगी तबीयत का मालिक होता है। वो गांव वाले जब पहुंचे बादशाह के दरबार में और वो 10 किलो प्याज पेश की तो बादशाह का मिजाज बिगड़ गया। वो ज़रा मूड में नहीं होगा, अपसेट होगा। ये क्या है? ये प्याज है हमारे गांव की। अच्छा, तुमको ये लाने की समझ पड़ी? आपके रिश्तेदार बलसाड़ में और वापी में रहे और आप टाटा नमक की थैली ले जाओ कि आपके लिए 2 टाटा लाया हूँ, 2 टाटा। आपका पापा घुमा देगा उसी वक्त। कम बहुत ला ला के तेरे को नमक लाने की समझ पड़ी? यहाँ वलसाड़ में वापी में नमक नहीं है। तेरे को दूध का हलवा नहीं मिला, तुझे आइस हलवा नहीं मिला, तुझे सूरत की घड़ी नहीं मिली, बड़ौदा का चेवड़ा नहीं मिला, लाला की ये लाया। खैर वो बादशाह, लेकिन अल्लाह कभी भी गुस्से नहीं होते, समझ गए ना? कारी साहब की नमाज को भी कबूल कर लेते हैं। वो तो कारी सिद्दीक साहब हो, हमारे कारी आसिम हो, नमाज ले लेते हैं। वो तो कारी साहब हैं। और एक अनपढ़ आदमी जिसको अलम तरह का भी ठिकाना नहीं है, अलम तरह भी अल्लाह उसकी भी ले लेते हैं, है ना? उसका दिल नहीं दुखाते हैं कि भाई अलम तरह और लेलाफ वाला है, नहीं ले लेते हैं। अल्लाह गफूर और रहीम है, गफूरन शकूर है ना उसका नाम है, शकूर अपने बंदों की कदर करने वाला, अपने बंदों का कदरदान है। मेरा बंदा नमाज लाया, जैसी भी लाया, ले लो, ले लो इसको। खैर बादशाह गुस्से हो गया और जल्लाद को बुला और कहा ये सबको लाइन में बिठा दे। ये 20 आदमी गांवड़ी आए ना लाइन में बिठा, और ये प्याज इनके सर के ऊपर फोड़ो और एक ही हाथ में टूट जानी चाहिए, एक ही हाथ में। वो गांवड़ियों को लाइन में बिठा दिया और एक प्याज सर पर, और जल्लाद का हाथ तो कहना पड़े, हाँ जैसे मीना के मैदान में हमारे हबशी का हाथ एक ही हाथ में ऊँट को जबाह, है ना, एक ही हाथ में। हालांकि मुझसे और हाजी यूसुफ भाई जीरा वाले, अल्लाह उनकी मगफरत फरमा, हमसे जबा नहीं हुआ ऊँट, कई मरतबा लगाया नहीं लगा। मैंने हाई साहब से, हाजी आप छोड़ दीजिए, हट जाइए, वो हबशी वहाँ खड़ा था भाई ले लीजिए, था एक ही हाथ में ख़त्म। बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और प्याज रखवाई, सबके सरों पर बराबर फोड़े जा रहा और उनके दिमाग फटे जा रहे हैं। अंदर ही अंदर कहने लगे अच्छा हुआ कोठे नहीं लाए, तो नहीं तो आज हमारे सर की पत्थर रगड़ा जाती, चमड़ी फट जाती। साला कहता था कोठे ले लो, तो हारू थे कोठा ना लाया तो नहीं था कोठा बगाई जाता अपना। आप प्याज लाया तो आ हालत थी हमारी, तो ऐसा होता है। वो बादशाह था, रंग बिरंगी तबीयत का मालिक, अनवरी शायर। मैंने मेरे बुजुर्गों से सुना था, अनवरी शायर था, बादशाह के दरबार में गया और खूब तारीफ की। और शायर लोग तो ज़रा होते ही हैं ऐसे, है ना, ये गाने वाले शायर और वो तो शुरू की ज़िंदगी इनकी ऐसे ही होती है, तो बाद में होते हैं मालदार। बादशाह ने खुश होकर एक घोड़ा दे दिया, वजीर वजीर एक घोड़ा दे दो इसको। अब वो अनवरी शायर तो बिल्कुल ऐसा ही था, लुखा डांड, वो समझा कि 10,000 रुपये मिलेंगे, मिला घोड़ा। तो वो तो शाही घोड़ा था, उसकी खुराक भी शाही, हाँ शाही खुराक। तब ये लावे कहाँ से इतना, वो घोड़े का अनाज दाना पानी। 15 दिन 20 दिन 1.5 महीना 2 दिन हुए कि घोड़ा मर गया। तो किसी ने बहुत डराया कि बादशाह तुझे छोड़ेगा नहीं अब, ये तो शाही इनाम था और शाही इनाम की नाकदरी की,
मेरे अजीज़ो, ईद उल फितर की रात में हमको भी शाही इनाम मिलेगा इंशाल्लाह। बोलो सब इंशाल्लाह। हालांकि हमारे रोज़े कैसे, हमारी नमाजें कैसी, हमारे सदक़ात कैसे, वो हम ही जानते हैं। ईद उल फितर की रात में लैलतुल जायज़ा में शाही इनाम मिलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ने रमज़ान का पहला दिन दिखाया है तो इंशाअल्लाह ईद का दिन भी अल्लाह दिखा देंगे इंशाअल्लाह। बोलो सब लोगों, और अल्लाह हमारे इस रमज़ान को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन। मैं तो इसी नीयत से बोल रहा हूँ, अल्लाह इस बयान की बरकत से हमारे रोज़े कबूल कर लें। हर साल यूके और कनाडा में बयान करता था, यहीं से ही वो घोड़ा मर गया तो लोगों ने डराया कि बादशाह तुझे छोड़ेगा नहीं। तो शायर अनवरी शायर बड़ा चालाक था, खैर मैं एक तरकीब कर लूँगा, बादशाह को मना लूँगा। दूसरा दिन हुआ, बादशाह को पता चला, बुलाया अनवरी शायर को, तो शायर गया और बादशाह बोले, इससे पहले ये खुद ही बोलने लगा है ना, चालू ट्रेन में टिकट आया, टिकट लाओ टिकट लाओ टिकट लाओ। तो उसने टिकट नहीं ली थी, तो बड़ा चालाक था, उसने खुद ही मुझे कहा था कि मौलाना टीटी आया तो मेरी तो ज़मीन सरक गई तलवे के नीचे। तो अच्छा हुआ मेरे पास पांच मौसम्बी थी, घर वालों के ले ली थी, तो मैंने मौसम्बी निकाली और मौसम्बी ले लो, दस रुपयानी बे मौसम्बी। वो टिटी समझा ये तो फेरिया है, चला गया। समझ गया, ऐसी भी चालाकी होती है, वो तो चालाकी होनी चाहिए। समझ गए ना, हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अहज़ाब में यही तो चालाकी की थी है ना। अब वो दूसरी तरफ बयान जाएगा, छोड़िए उसको। अनवरी शायर कहता है, बादशाह बोले उससे पहले नहीं बोले, हजरत क्या अपने इनाम में घोड़ा दिया था, माशाल्लाह क्या घोड़ा था बादशाह, क्या तेज़ दौड़ने वाला, क्या उसकी रफ्तार थी। अरे दुनिया की कोई चीज़, कोई घोड़ा, कोई ट्रेन, हत्ता के कोई एरोप्लेन उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। हजरत ऐसा घोड़ा आपने दिया था इनाम में। हजरत वो आपका दिया हुआ घोड़ा कल इतना तेज़ दौड़ा, मैं भी भागा पीछे, मेरे हाथ में नहीं आया, इतना तेज़ दौड़ा कि दुनिया के ग्राउंड से निकलकर आखिरत में पहुंच गया। हजरत इतना तेज़ दौड़ा घोड़ा, तो बादशाह खुश हो गया। देखिए हाँ, ज़रूरी थोड़ी है कि बादशाह के साथ अक्लमंदी भी मिले, वो तो नबूवत के साथ होती है, याद रखना, नबूवत और विलायत के साथ। बादशाह खुश हो गया कि मेरे घोड़े की तारीफ कर रहा है, तो वज़ीर को बुलाया कि वज़ीर दूसरा घोड़ा भी तबेले में से निकाल कर इसको इनाम में दे दो, चलो दूसरा घोड़ा। तो अनवरी शायर तो सर पर हाथ मारने लगा, कमबख्त एक घोड़े से तो मुश्किल से पीछा छूटा, दूसरा घोड़ा माथे पड़ गया, ये तो दूसरी आफत आ गई, होता है ऐसा। बादशाह तो बादशाह होता है, हाँ वो कभी मामूली चीज़ को भी कबूल नहीं करता। हमने अपने अमल के पैकिंग को तोड़ दिया, बम्बई से मोहम्मद अली रोड पर से जो जमजम का हलवा लिया था ना, वो पैकिंग तोड़ दिया बलसाड़ स्टेशन पर, और तीन पीस निकाल दिए और टूटेला अमल का पैकेट दिया अल्लाह को, टूटेला, तो अल्लाह ने ले लिया, कोई बात नहीं, मैं गफूरुर रहीम, तू मेरा बंदा है, तुझसे जितना हो सका तूने अमल किया, मैं तो गफूरुर रहीम हूँ, मैं तो फजल वाला हूँ, और मैं अपने बंदे के साथ फजल का मामला करूँ ये मुझे ज़्यादा पसंद है इससे कि अदल का मामला करूँ। मैंने तो खुद ही अपने अर्श पर लिख दिया है, रहमती सबकत गदबी, मेरी रहमत
मेरे गुस्से से आगे निकल चुकी है, मैं अपने बंदों से रहमत का मामला करूं, ये मुझे ज़्यादा पसंद है कि गज़ब और गुस्से का मामला करूं। अगरचे टूटेला पाकिट लाया, कबूल कर लिया, कबूल है। क्या नमाजों का हक हमसे अदा होगा, हो रहा है? वो तो मेरे आका की नमाज थी। अम्मी जान का बयान है कि जब से अजान की आवाज़ सुनते थे, हुजूर हमें पहचानना छोड़ देते थे, हमको पहचानते नहीं थे। एक मरतबा अजान हो गई और सरकार जाने लगे तो मैं बीच में आ गई तो मुझे धक्का मार दिया, चल हट। अम्मी जान ने कहा, हजरत मुझे आप पहचानते नहीं, मैं कौन हूँ? फरमा, मन अंति, कौन है तू? قالت انا عائشه يا رسول الله, सरकार में आयशा हूँ। फरमा, मन आयशा, आयशा कौन? सरकार, बिन्त अबी कुहाफत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अबू कुहाफा की बेटी, अबू बकर की बेटी। फरमाया, मन अबा बकरिन, अबू बकर कौन और अबू बकर की बेटी कौन? तो फिर दादा का नाम लिया, इनके भी वालिद का, कहा हजरत अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर। फरमाया, मन अबा कुहाफता व मन इब्न अबी कुहाफता, अना ला अलमु अहदन, अबू कुहाफा कौन, अबू कुहाफा का बेटा कौन और अबू बकर की बेटी कौन? मैं नहीं, हट गया। तब मैं हट गई, समझ गई कि राजधानी आ रही है, हट जाओ हट जाओ, राजधानी आ रही है, कुचल देगी, है ना? राजधानी आ रही हो, धमधमाती हुई सामने से, कोई पाटे के करीब बैठ सकता है? पाटे के करीब यानी 3 फुट दूर, 3 फुट, 4 फुट नहीं, हड़फट में ले लेगी। ऐलान होता है ना, राजधानी आ रही है, 10 फुट दूर हो जाओ, प्लेटफॉर्म से 10 फुट दूर राजधानी आ रही है। ये रूहानियत की राजधानी थी। अम्मी जान आयशा को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? हुजूर अजान के कलमात सुनते ही हमको भूल जाते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको भूले हुए भी याद आ जाते हैं, है ना? असर की अजान होती है, कहते हैं ओ मुन्ने की अम्मा अजान हो गई, चाय रख जल्दी चाय, तो गोया अजान इसलिए हुई है कि चाय रखो, और घर में अम्मा भी कुछ कम नहीं है, वो भी कह, अजान हो गई, मैंने अभी तक आटा नहीं गूंदा, गोया अजान आटा गूंदने के लिए हुई है, अजान इसके लिए हुई है। अजीब हैं हम लोग, अजीब हैं हम लोग। किसी शायर ने खूब कहा, क्या नमाज़े शाह थी अरकान ईमानी के साथ, दिल भी झुक जाता था हर सजदे में पेशानी के साथ। अल्लाह के नबी की क्या नमाज़ थी कि नमाज में सिर्फ पेशानी नहीं झुकती थी, दिल झुक जाता था। और ए ईमान वालो, ए भाइयों, हमारी नमाज में पेशानी झुकती, दिल तो हम जहाँ थे ना वहाँ छोड़ के आए हैं। हमारे सूरत के उमर जी भाई थे, वो बड़ी अच्छी मिसाल देते थे, मैंने एक जगह उनका बयान सुना था। वो उमर जी भाई कहा करते थे कि नमाज पढ़ने जाता है तो भी तो दिल मस्जिद में कहाँ होता है, घर में कहता है हूँ हमारा मस्जिद में गयो, हमारा गयो ना, हमारा जायो, हमारा अब भी गया अब भी आया। और जब बाजार में जाता है, मार्केट में जाता हूँ, हाँ पता नहीं कब आऊँगा, मार्केट में जाता हूँ, 2 घंटे भी हो जावे ना, 3 घंटे भी हो जावे, कोई ठिकाना नहीं। मेरे अजीज़ो, हमारी नमाज में खुशू खुशू होना चाहिए, मस्जिद में जल्दी जाना चाहिए। जाएंगे ना, अब तो जाएंगे, लॉकडाउन के बाद तो जाएंगे इंशाल्लाह।
मगर कितने दिन? हाँ वो दिन आप ही मुकर्रर कर देना, मेरे से मत पूछो। मौलाना लॉकडाउन खुलने दो, मस्जिद, और फिर धीरे से कहेंगे 15 दिन 15 दिन, ये धीरे से बोलेंगे, फिर तो अपने जैसे थे ऐसे के ऐसे जो जाएंगे। हाँ अपने तो फिर जैसे कोलू का बैल जहाँ से चलता है ना वहीं आता है घूम के, आपने तो जेवा हता तेवाने तेवाज, आपने बदलवानो नहीं, जराक भी नहीं, एक लॉकडाउन आवे के 10 लॉकडाउन आवे, जमी टल्लत जमा टल्लत न टल्लत गुल मोहम्मद खां वाली बात है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर गुल मोहम्मद खां अपनी जगह से टलने वाले नहीं। हम तो जैसे थे ऐसे के ऐसे ही। मेरे अजीजो नमाज जानदार पढ़ो, तो हुजूर की नमाज कौन अदा कर सकता है? खैर तो जब हम वो बम्बई से हलवा लाए हैं तो पैकिंग बराबर रहने दो ताकि देने में ज़रा मोहब्बत गालिब रहे, अदब भी, टूटेला पैकिंग दे रहे हो तो अमल इस अंदाज से करो कि अल्लाह तक ले जाना है। हाँ बड़ौदा से बम्बई जाते हो बड़ौदा एक्सप्रेस में तो टिकट संभाल के रखते हो कि नहीं, सेंट्रल तक के वलसाड स्टेशन पर फेंक देते हो कि अवेट टिकट आएगा ना, वो चाचा मामू आएगा ना, मौसम्बी हाथ में लेनी पड़ेगी, मौसम्बी ले लो 10 रुपया नहीं बे, मौसम्बी ले लो 10 रुपया नहीं बे, नहीं मौसम्बी 20 रुपया नहीं 5, मौसम्बी 20 रुपया नहीं 5। टिकट संभालते हो ना, अपने अमल को भी संभालो। हाँ रोज़ा इस तरह से रखो जैसे इस रोज़े को मैं ले जाऊंगा अल्लाह के पास, तरावी इस नीयत से पढ़ो, हर अमल इस नीयत से करो कि अमल में अल्लाह, देखो कुरान मन जा बिल हसनति फलहू अशरतु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा, है ना, माजी का तादिया जब बासे कर दिया जाए तो तर्जमा मुतअद्दी होता है लाना, देखो आमदन आना और आवर्दन लाना, तो तादिया बा से हुआ, मन जा अबिल हसन बा दाखिल है, जो एक नेकी लेकर आएगा हमारी बारगाह में हम उसको 10 के गुना उसको सवाब देंगे, उसके 10 के बराबर। तो नेकी को ले जाना है अल्लाह के पास। सहाबा ने अपने अमल की हिफाजत की, खैर वो पहलवान के सीने पर जब हजरत अली बैठ गए और उसने जैसे थूका, बात पूरी कर लो, तो हजरत अली को गुस्सा नहीं आया, फौरन उठ गए और कहा उठ जा जा अल्लाह के लिए अली ने तुझे छोड़ दिया। देखा उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, अल्लाह वालों की चाल उल्टी होती है, अल्लाह वालों की चाल उल्टी होती है। ये उल्टी पर एक वाकया सुनाऊंगा, फिर कभी आइंदा बदली सुन अगर इसमें नंबर आया, अभी जाने दीजिए। तो नेकी लेकर जाना है, हजरत अली ने गुस्सा नहीं किया, फौरन उठ गए और कहा जा अली ने माफ़ कर दिया। अब अल्लाह को हिदायत देनी थी वो पहलवान को, है ना, उसने कहा अली जब मैंने थूका तुमको गुस्सा आना चाहिए था कि अब तो मैं 8 टुकड़े करूँगा, तो तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया, ऐसा क्यों? तो हजरत अली ने फौरन कहा पहले तुझे अल्लाह के लिए मार रहा था और जब तूने मेरे चेहरे पर थूक दिया तो मेरा नफ्स बीच में आ गया, शैतान बीच में आ गया और शैतान ने मेरे अमल को बिगाड़ दिया कि अली अब तो छोड़ना मत इसको, अब तो इसके 18 टुकड़े करना, 18 8 नहीं, तो मैंने देखा शैतान और नफ्स मेरा अमल बिगाड़ रहे हैं तो मैंने अपने अमल को नाकिस छोड़ दिया, चल आज़ाद चल जा, उठ जा।
ओहो, जब उसने ये सुना कि ये है इखलास और ये है अल्लाह के लिए काम करना, फौरन आया और हजरत अली के पांव पकड़ लिए। ऐ अली, तुम्हारे नबी भी सच्चे, तुम्हारे नबी का दीन भी सच्चा, और ऐ अली तुम भी सच्चे, तुम्हारे नबी ने ईमान का जो पावर तुम्हारे दिल में उतारा है, थोड़ा करंट मुझे भी दे दो, मुझे भी अपने मुरीदीन में ले लीजिए। कलमा पढ़ाई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मोमिन हो गया। कैसे लोग थे, मैदानों में उनसे हिदायत मिलती थी और आज बयानों में हमसे नहीं मिल रही है हिदायत। उनसे मैदानों में मिलती थी, हमसे बयानों में नहीं मिल रही है। क्यों? नीयत साफ नहीं है। हुब्बे जाह और हुब्बे माल कूट कूट के भरा हुआ है, तो कहाँ से हिदायत मिलेगी? हमसे बयानों में नहीं मिल रही है हिदायत, सुनने वालों की भी नीयत अच्छी नहीं, मजाक उड़ा रहे हैं। सुन लेना, दीन की किसी बात की मजाक मत उड़ाना और किसी दीनदार की मजाक मत उड़ाना, अगरचे आलिम न हो तब भी। मौलाना लोगों की तो मजाक उड़ाना ही मत बिल्कुल, हाँ वरना 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मौलाना की तो बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आम दीनदार की भी मजाक मत। हमारे बड़ौदा के नागरवाड़ा मरकज़ में मैं बैठा था जुमेरात के दिन, मैं छुप कर बैठता हूँ और एक भाई जन्नत का बयान कर रहे थे मरकज़ में, जन्नत की नेमतें बता रहे थे। और जब कोई मुतकल्लिम मरकज़ में बयान करता है तो मैं जी ही जी में दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह इस मुतकल्लिम की बात में और भी कुव्वत अता फरमा, ऐ अल्लाह इसको और भी ताकत दे ताकि दीन की बात अच्छी तरह रख सके। मैं दुआ करता रहता हूँ, इसलिए सर झुका लेता हूँ ताकि इधर उधर के लोग देखे नहीं मुझे। सर पीछे कोई दो लड़के बैठे हुए थे, 18-20-22 साल के दो, तो एक क्या कह रहा है, सालो एवी रीते बयान करे छे के जन्नत ने जोजने आवेला लागे छे। सुना आपने? ऐसा बयान कर रहा है जैसे जन्नत को देख के आया है। तो दूसरा क्या कहता है, चुप बैठ, हमको कहाँ जाना है जन्नत में और जमात में, सुनने ये कान से सुनने का और ये कान से निकाल देने का। हाँ आपने तो 8-20 सुधी बहवानों ने पची चाल जवानों, तो कहाँ से हिदायत मिलेगी? कोठा भी नहीं मिलेगा, हिदायत तो नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने पलट कर फिर जो देखा ना तो भागे उठ के, जो क्यों हो, ये तो मौलाना बैठे हुए मौलाना, भागे। तब मुझे पता चला है अल्लाह ऐसे लोग भी होते हैं बयानों में, बयान करने वालों का भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे। मुझे उस वक्त पता चला, एक दावत में मैं बैठा हुआ था बड़ौदा में, बिरयानी थी दावत में, खा लो, हाँ चाहे छोटे की हो या बड़े की हो खा लो, चाहे मुगल आज़म हो बड़ा हो खा लो, वो तो अल्लाह के नाम पर ज़बह हुआ है। मेरे करीब में वो थाल लगा हुआ था, एक बोला कि ज़रा गोश और मसाला आने दो, साले ने हराम का बहुत जमा किया है, तो गोश ने मसाला नहीं देते, और बड़ा दे तो बड़ा बड़े की। अब मैं भी अजीब आदमी हूँ, मुझसे जब कोई बात हो तो बर्दाश्त नहीं होती, मैं फौरन, मैंने मेरा लुकमा छोड़ दिया। मैंने कहा भाई दावत करने वाले का तो अच्छा बोल, छोटा हो या बड़ा तुझे दावत में तो बुलाया, तुम्हारी ज़बान से इतना भी अच्छा लफ्ज़ नहीं निकल सकता, तुम अपने भाई को इतना भी खुश नहीं कर सकते, और ये क्या लफ्ज़ बोले कि हराम का बहुत जमा किया है, इसमें कौन सी धाम हमारी दावत में बुलाया तू। अजीब हम लोग हैं, अजीब हम लोग हैं, इसे मैंने कहा था। तो बहरहाल
अमल की हिफाजत। वो यहूदी ने कलमा पढ़ा और उसने कहा कि अच्छा हुआ अली खुशखबरी सुन लो, तुमने मुझे कत्ल नहीं किया तो अच्छा, वरना काफिर होकर दुनिया से जाता, अब तो मोमिन होकर जाऊंगा, है ना। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, बस मेरा वक्त पूरा हो चुका, दरसे मसनवी सुन लो, दो बाकी रह गए वो भी सुन लो। उसने कहा अली मैंने तुम्हारे चेहरे पर थूका तो तुमको तो गुस्सा आना चाहिए था, तुमने मुझे छोड़ दिया। फरमाया पहले अल्लाह के लिए तुझे मार रहा था और अब नफ्स बीच में आ गया, नफ्स और शैतान ने मेरा अमल बिगाड़ दिया, इसलिए मैंने छोड़ दिया कलमा पढ़ा। हजरत अली का जवाब सुन लो मसनवी में, गुफ्त मन तेग अजबाए हक मीजानम बंदई हक्कम नामोरे तालम। मैं तलवार चलाता हूँ अल्लाह के लिए, अपने नफ्स के लिए नहीं, मैं मेरे अल्लाह का बंदा हूँ, मैं मेरे तन और बदन का बंदा नहीं हूँ नफ्स का। बंदई हक्कम नामोरे तालम शेरे हक्कम नेस्तम शेरे हवा फैले मन बर्दी ने मन बाशद गवा। मैं तो अल्लाह का शेर हूँ, अपनी ख्वाहिशात का शेर नहीं हूँ, हाँ मेरा फैल खुद मेरी दीनदारी पर दलील होता है, हमारा हर अमल हमारे अल्लाह के लिए काम करने की दलील होती है। ये दरस मसनवी था। तो जब शैतान और नफ्स उनका अमल बिगाड़ देता था तो उनको गुस्सा आता था और वो अमल छोड़ देते थे ताकि अमल बिगड़ ना जाए, है ना। तो सहाबा कुरान की आयत सुनकर असर ले लेते थे और गुस्सा रवाना हो जाता था, शैतान और नफ्स बीच में आता था तब भी सहाबा का गुस्सा दूर हो जाता था। दोनों किस्से सुन लिए ना आपने कल और आज। इंशाअल्लाह आइंदा कल 2 बजे फिर हम मिलेंगे, दुआ कर लें। अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना व नबीना मौलाना محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم اللهم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا يا إله العالمين هم پر رحم فرما هم پر کرم فرما کورونا کو ختم فرما کرم کی ٹھنڈی چادر سے کورونا کا وائرس ختم فرما جہاں جہاں یہ وائرس لگا ہے پھیلا ہے سب پر رحم فرما کرم فرما یا اللہ اس وقت روئے زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے आप उसको जानते हैं, आप आलिमुल गैब व शहादा हैं और ये क्यों हो रहा है वो भी आप जानते हैं, या अल्लाह आप जानते हैं, हम नहीं जानते। अंत तअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल गुयूब व अंत अल्लामुल गुयूब, अल्लाह आप जानते हैं हम नहीं जानते। आप कादिर मुतलक हैं,
हम आजिज़ महज हैं, ए अल्लाह आप अपनी कुदरत का मुजाहरा फरमाइए, अहले ईमान पर करम फरमाइए, पूरी इंसानियत पर रहम फरमा दीजिए। जहाँ जहाँ ये वबा फैली है, जिन जिन मुल्कों में फैली है, सब पर रहम फरमा, हमारे देश की भी हिफाजत फरमा, देश में रहने वालों की भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं शिफाए कामिला आजिला दायमा अता फरमा। हमारे अख्तर भाई फिजी वाले जो टोरंटो में रहते हैं, उनके चचाजाद भाई बाटली में बीमार हैं, अफजल भाई धरी वाले, ए अल्लाह जितने बीमार हैं तमाम को शिफाए कामिला आजिला दायमा अता फरमा। ए अल्लाह हमारे बदरुद्दीन शेख साहब अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर दाड़ी लिमडा और इसके अलावा इलाकों के और बड़े रहम दिल हमदर्द कौम के हमदर्द जिनका इस बीमारी में इंतकाल हुआ, बदरुद्दीन शेख साहब, ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। मौलाना अहमद पटनी साहब जो कंजुल उलूम मदरसा अहमदाबाद के मोहतमीन थे, उनका भी इंतकाल हुआ, या अल्लाह मौलाना की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जितने हॉस्पिटल में अभी पथारी पर पड़े हुए हैं, फर्श मर्ज पर हैं, उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप आलिमुल ग़ैब हैं परवरदिगार, सबकी हिफाजत फरमा, सबकी हिफाजत फरमा। जो जो इस बयान को सुन रहे हैं, या इलाह आलमीन सबकी हिफाजत फरमा, सबके मामूलात रमज़ान को कबूल फरमा, हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा। इस वक्त अभी जहाँ जहाँ यहाँ भी बड़ौदा सिटी में और तांदलगा में भी जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, ए अल्लाह मरकज़ इस्लामी अंकलेश्वर में हमारे हजरत मौलाना मूसा साहब माकरोडवी दामद बरकातुहुम अलालिया तमाम के अल्लाह और इस ये इस्लाही बयानात चैनल को कबूल फरमा, इनके ज़िम्मेदारान को कबूल फरमा, जो इस चैनल के चलाने वाले हैं, ए अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा, उनकी इस खिदमात को कबूल फरमा। اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا رحم الراحمين.